हूँ आप सब अपने घर में खुश हो बार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क और रोज़ी में इजाफा करे, आमीन सुब आमीन। बता रहे हैं वो बच्चों में बहुत शौक से खाई जाती है, उनको बहुत पसंद आते हैं, वो हैं फ्रेंच फ्राइज। उसके लिए हमने आलू ले लिए हैं बड़े 3 अदद, उसको हमने अच्छे से धोकर इस तरह काट लिया है और क्यूब्स में ठंडे यक पानी में इसको हम रख देंगे ताकि ये आलू हमारा देखें कड़क हो जाए। आलू आपने मीठे हरगिज़ नहीं लेने वरना चिप्स आपके बहुत नरम नरम बनेंगे। उसके साथ हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए फॉर फ्राइंग तलने के लिए, सॉल्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून। चले अब हम इसका प्रोसीजर आगे का शुरू करते हैं। कम से कम 1 घंटा रख दिया था, अब 1 घंटा रखने के बाद इसको हम एक टॉवल में बिल्कुल सुखा लेंगे। ये सुखाने के बाद हम आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। ये और ये इसमें डाल देंगे आलूओं को। ये देखिए आइस क्यूब्स अलग हो गई हैं, अब इसको टिश्यू की मदद से ड्राई करेंगे। हमने पानी फेंक दिया है, अब हम इसको टिश्यू पे रखेंगे इस तरह करके करके बिल्कुल इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। इसी तरह सारा आपने पूरे आलूओं के साथ इसी तरह यही प्रोसेस करना है। जब तक मैं ये पूरे आलूओं के साथ ये प्रोसेस कर लेती हूँ उसके बाद आपको आगे का स्टेप बता। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब इसी तरह हम बाकी के आलूओं को कर लेते हैं। यह है गर्म करने के लिए, उसके बाद हम इसके अंदर चिप्स को फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह ये हार्ड हो जाने चाहिए, यूं करके आवाज़ आए। ये देखें क्रंच की। ज़्यादा गर्म भी तेल नहीं रखना कि जल जाएं चिप्स। अभी हम इसके अंदर चिप्स डाल देंगे और थोड़े थोड़े करके डाल देंगे, ये नहीं कि आप पूरी कढ़ाई भर दें चिप्सों से। ये देखें अब जब तक ये फ्राई होते हैं हम इंतज़ार करेंगे इसका। ये हमने देखें फ्लेम मीडियम रखी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है, जल जाएंगे और ये देखें अंदर से भी कुक्ड हो जाएंगे और बिल्कुल खूबसूरत कलर आ रहा है। इसको हमने ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना वरना इसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। इसको डायरेक्ट हम सर्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम टिश्यू पेपर में रखेंगे यहाँ पर ताकि इसका सारा ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाए। ड्राई कर लिया है टिश्यू पेपर की मदद से, इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट हम डाल देंगे और अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। सर्व करेंगे केचप के साथ, खाइए मज़े ले लेकर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर किसी और रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।